जो चैरिटीज़ हैं और जो सरकारें हैं वो लोगों की कुछ इस तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उन लोगों को समय के साथ हम लोगों के और हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अब सरकारें हो सकता है इस तरह से काम करने की कोशिश इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन लोगों को चाहिए वोट्स। अगर उन लोगों को फ्री में खाना नहीं देंगे, अगर उन लोगों को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, अगर उन लोगों को फ्री में इतनी सारी सुविधाएँ नहीं देंगे तो अगली बार उन लोगों को वोट नहीं मिलेगा। और जो चैरिटीज़ हैं, जो नॉन प्रॉफिट्स हैं, उन लोग इस तरह से काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन नॉन प्रॉफिट्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लाखों का प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो सिर्फ नाम से नॉन प्रॉफिट है लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोग उसमें रह के प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब ये कुछ एक्चुअल रीजंस हो सकते हैं कि ये वो इस तरह की प्रैक्टिसेस अब भी चल रही हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रीज़न यही हो। हो सकता है उन लोग एक्चुअली हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिर्फ उन लोगों को मालूम नहीं है कि उस तरह से हेल्प करने का साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सो एनीवेज, अगर आप लोगों को हमारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो इसलिए क्योंकि आप इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया है और उसमें मैंने मेनली की है बात कि समस्याएं क्या हैं। अगर हम लोगों को फ्री में खाना दें, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दें, फ्री में सब कुछ दें तो उससे समस्याएँ क्या आ सकती हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं सॉल्यूशंस की बात करने वाला हूँ कि उसमें मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आप लोगों को पहले प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता तो आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले वो वीडियो आ जाइए देख के, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। सो एनीवेज, इससे पहले मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊँ, एक सिंपल सा फैक्ट समझ लेते हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई आदमी स्लम एरियाज़ में रह रहा है और उसके पास रहने के लिए खाने नहीं हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और वो बहुत लोअर क्लास की सोसाइटी से बिलोंग करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोच नहीं सकता। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों से किसी तरह से इन्फीरियर है। उन लोग भी इंसान ही हैं और अगर हम लोग उन लोगों को सही रिसोर्सेज दें, सही एजुकेशन दें तो उन लोग भी हमारे लेवल पर आके काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एथलीट्स बन सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उन लोगों को हमारे हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि उन लोग खुद से सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। तो इस मेंटेलिटी को सबसे पहले आप लोग निकाल दीजिए क्योंकि उन लोग भी इंसान ही हैं और अगर हम लोग उन लोगों को रिसोर्सेज दें तो उन लोग भी वो काम कर सकते हैं जो हम लोग रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं। हम लोगों ने उसमें हेटी की केस स्टडी ली थी कि किस तरह से वहाँ पे अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक आते ही जो पूरे वर्ल्ड की सरकारें हैं वो एक्टिव हो गई और उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और हेल्प के नाम पे उन लोग बहुत सारा फ्री का चावल लेके वहाँ पे कूद पड़े। अब चावल लेके कूदने से ये हुआ कि हेटी में कुछ वहाँ के अपने किसान हैं जो कि खेती करते हैं और खेती से चावल उगाते हैं और उसको सेल करते हैं। अब उसी चावल से उन लोगों को जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम आती है, उसी इनकम से उन लोग अगले साल भी खेती करते हैं और उसी इनकम से अपनी फैमिली के खर्चे भी चलाते हैं। अब जब एक बार वो लोग फ्री में चावल लेके कूद पड़े तो जो हेटी के अपने किसान थे उन लोगों से कोई चावल खरीद नहीं रहा, पहला उन लोगों के पूरे साल की जो एफर्ट थे और जो उन लोगों का इन्वेस्टमेंट था खेती में वो ख़राब हो गया, और सेकंड उन लोगों के पास अब पैसे नहीं आ रहे हैं जिससे उन लोग अगले साल फिर से खेती कर सकें, तो लिटरली वो किसान आउट ऑफ बिजनेस हो गए हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि लेट अस सपोज किसी वजह से अगले साल वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चावल लेके ना आ पाए वहाँ पे, वो लोग जो अभी वहाँ पे फ्री में चावल सप्लाई कर रहे हैं कि फ्री में ले जाओ हमसे चावल, वो लोग किसी वजह से अगले साल ना आ पाए, तो अब वहाँ के जो किसान थे वो खेती करने के लायक रहे नहीं हैं और जो बाहर से उन लोगों को हेल्प आ रही थी वो भी आना बंद हो गई, तो मतलब वहाँ के लोग फिर से मरेंगे भूखे और इसलिए उन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग उन लोगों को सेल्फ सफिशियंट नहीं बना रहे हैं बल्कि उन लोग को अपाहिज बना रहे हैं। वहाँ के जो किसान थे वो अब मेरी खेती कर नहीं पाएंगे और इस वजह से उन लोगों को हम लोगों की और ज़रूरत पड़ने लगी है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग उन लोगों को फ्री में चावल ना दें बल्कि उन लोगों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दें जिसकी हेल्प से उन लोग और अच्छे से खेती कर सकें। हम लोग वहाँ के किसानों को ये एजुकेशन दें कि किस तरह से उनके पास जो ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं उग रहा है, कैसे उन ज़मीनों पर भी उन लोग खेती करके और चावल उगा सकते हैं और खाना उगा सकते हैं। हम लोगों को वहाँ के किसानों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके देना पड़ेगा, वो फर्टिलाइज़र जिसकी हेल्प से उन लोग और खेती करके और उगा के उन लोगों को कुल मिला के हम लोगों का गोल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों को हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, ना कि समय के साथ हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट बनाएं। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें टॉम शूज़ का।
वो टॉम शूज़ में मैंने कहा कि वहाँ पे जब अर्थक्वेक आया था तो बहुत सारे मोची थे वहाँ पे, बहुत सारे शू मेकर्स थे जो कि हाथ से शूज़ बनाते थे और उसको सेल करके पैसे कमा रहे थे। लेकिन जब अर्थक्वेक आया, वरना टॉम शूज़ का तो वैसे भी लोगो है कि आप हमसे एक शूज़ खरीदिए तो हम किसी और कंट्री में किसी और आदमी को जो कि ज़रूरत है जिसको जूतों की, उसको हम लोग फ्री में जूते देंगे। अब जब वहाँ पे वो लोग फ्री में जूते लेके जाते हैं तो वहाँ के जो शू मेकर्स हैं उन लोग आउट ऑफ बिजनेस, और किसी वजह से अगर उन लोग अगली बार जूते नहीं लेके जा पाते तो वहाँ के जो शू मेकर्स थे उन लोगों के पास फिर से स्टार्ट करने के लिए पैसे हैं नहीं। जो बाहर से जूते आ रहे थे वो भी जूते आने बंद हो गए हैं। अब वहाँ के लोग के पास फिर से कोई जूता नहीं रहेगा। उन लोगों के पास जो अपने रिसोर्सेज थे, अपनी कंपनियाँ थी, वो तो ख़त्म ही हो गई, और जो बाहर से हेल्प आ रही थी वो भी किसी वजह से आना बंद हो गई। वहाँ के लोग और नीचे चले गए हैं। इसका मतलब, इसका सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना हम हेटी में ही, क्यों ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उन लोगों के पास पैसे नहीं है खाने पीने के लिए, उन लोगों को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जिससे उन लोगों के यहाँ ही कंपनियाँ खड़ी हो सकें। मैंने उस वीडियो में कंपनियां खड़ी करने के फ़ायदे बताए थे कि किस तरह से अगर कंपनियां खड़ी होती हैं तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उनकी फैमिलीज़ को अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है जिससे उन लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। तो मतलब एक कंपनी खड़ी होने के पीछे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। तो अगर हम लोग वहाँ पे फ्री में शूज़ सप्लाई करने के बजाय वहाँ पे ही शूज़ की कंपनियाँ खड़ी कर दें तो एक, उन लोगों को जूते मिल जाएंगे, सेकंड, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, थर्ड, वहाँ की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी क्योंकि अब उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, उन लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रीशियंस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ रिपेयर करने का काम करते हैं, कुछ प्रिपेयर करने का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं। अगर हम लोग उनको ट्रेनिंग देके उनके काम में एक्सपर्ट बना दें तो उन लोग इतने एफिशिएंट हो जाएंगे कि उन लोग खुद से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाएंगे, उन लोग खुद से सब कुछ रेडी कर पाएंगे, उनको किसी के बाहर से फ्री में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सेम कॉन्सेप्ट्स इंडिया में भी अप्लाई हो सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा मैं किसी और कंट्री की बात कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूं, वो काफ़ी हद तक अप्लाई होती हैं इंडिया में भी। इंडिया में भी अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जिन लोगों के पास, उन लोग स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं, और स्लम एरियाज़ में रहने का एक और बहुत डिसएडवांटेज है, वो ये कि वहाँ के लोगों को जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो वो लोग इलीगल काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ तो काम करना है उन लोगों को, पैसे तो कमाने ही हैं उन लोगों को, तो अगर उन लोगों को लीगल तरीके से पैसे नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली उन लोग इलीगल काम करना स्टार्ट कर देंगे। और ये कोई ओपिनियन नहीं है मेरा, ये फैक्ट है, स्टैट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स में देखा गया है कि जो स्लम एरियाज हैं वहाँ के लोग अक्सर इलीगल काम करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ और करने के लिए है नहीं। अगर कंपनियां उस एरिया में कंपनियां खड़ी होती हैं तो वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो तो मैंने फ़ायदे बता ही दिए क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, प्लस क्राइम रेट्स लो हो जाएंगे। तो कुल मिला के हम लोग जो हमारी गवर्नमेंट जो हमेशा फोकस कर रही है कि और वैकेंसी निकालो, और वैकेंसी निकालो, वैकेंसी तब निकलेगी जब कंपनियां बनेंगी। तो हम लोगों को कुल मिला के एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि एम्प्लॉयमेंट को। तो हम लोगों में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करें तो उससे कंट्री की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सरकारें सॉल्व नहीं करती प्रॉब्लम्स, सरकारें वर्ल्ड चेंज करने का काम नहीं करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है उस मोबाइल से सबकी ज़िंदगियां चेंज हो गई हैं। हम लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन आज ईजिली अवेलेबल है, कुछ भी हम लोग सर्च कर पा रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर कर पा रहे हैं, रूम में कुछ भी ऑर्डर कर दे रहे हैं तो हमारे रूम तक वो सामान आ जा रहा है। वो मोबाइल सरकार ने नहीं बनाया था, वो मोबाइल एक एंटरप्रेन्योर ने बनाया था, वो सारा का सारा एक एंटरप्रेन्योर की देन है। सरकारें बस मेंटेन करने का काम करती हैं, उन लोग वर्ल्ड चेंज करने का काम नहीं करती हैं। तो अगर आप लोगों को एक्चुअली वर्ल्ड चेंज करना है तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप इम्पॉर्टेंट है। सरकारें टेक्नोलॉजी का विकास नहीं करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। तो अगर मैं सिंपल शब्दों का, इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सिंपल वर्ड्स में आंसर दूं तो उसका सिंपल सा आंसर होगा एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन। एंटरप्रेन्योर्स को एजुकेट कीजिए और वो लोग हर वो काम करके दिखा देंगे जो कि आज हम लोगों की प्रॉब्लम है, वरना जो हम लोगों को अब तक असंभव सा लगता आ रहा है, हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी एंटरप्रेन्योर के पास है, और वही लोग हैं जो कि सारी ज़िंदगी से सॉल्यूशंस निकालते हुए आ रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। सरकारें, कब आपको पता है सरकारों ने वर्ल्ड चेंज किया था? कभी नहीं किया था। अब आप लोग कहेंगे ओके कुलदीप, कंपनियां खड़ी करने के जो है तुम्हारी बात वो काफ़ी अच्छी है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, अच्छा है। लेकिन कंपनियां भी
काफ़ी हद तक कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि लोकेशन डिपेंडेंट होती हैं। लोकेशन डिपेंडेंट का मतलब कंपनियां किस लोकेशन में खोल रिओपन की जा रही हैं वो बहुत मायने रखता है उनके सक्सेसफुल होने के लिए। लोकेशन वो होनी चाहिए जहां से रॉ मटेरियल्स, जो हम लोगों का प्रोडक्ट रेडी करने के लिए हम लोगों को सामान चाहिए, वो हम लोग आसानी से इम्पोर्ट कर सकें और जो हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट है उसको पास में मार्केट हो, उसको एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन अगर लोकेशन बहुत रिमोट है, कुछ वो ऐसी लोकेशन है जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से नहीं हो पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आसाम को ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल चेरापूंजी को ले लीजिए, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया के जो कि एल्टीट्यूड्स पे, काफ़ी ऊंचाइयों पे रहते हैं ये जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, और ऐसे एरियाज़ में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो नहीं पाता क्योंकि ऊंचाई पे ले जाने में सामान दिक्कत होती है और इसलिए वहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कहोगे कुलदीप, अगर वहाँ पे तो लोकेशन डिपेंडेंट कंपनियाँ हैं, कंपनी कैसे खोलें ऐसे हम लोग एरियाज़ में? तो उसका सिंपल सा आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट से आज बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। आप रूम में बैठ के एक लैपटॉप की हेल्प से लाखों का बिजनेस कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना है कि नहीं सुना, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए। ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस ये है कि आप एक लैपटॉप से एक कंपनी को खोजिए जो कि आपका सामान आपके लिए प्रिपेयर कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्रिपेयर करना है चद्दर, आप कोई ऐसी कंपनी खोजते हैं जो कि आपके लिए चद्दर प्रिपेयर कर सके आपके नाम से। वो रेडी उन लोग करेंगे लेकिन उस पर नाम आपका चिपका रहेगा। तो आप लोग उनसे कहते हैं कि भाई वो ऐसी ऐसी बात है, मेरे लिए चद्दर प्रिपेयर करने हैं और आप लोग चद्दर प्रिपेयर कर दीजिए। वो कंपनी आपसे कोई पैसे नहीं लेगी, सबसे मज़े की बात, और वो आपके लिए चद्दर प्रिपेयर कर देगी। अब आप मार्केट में जाते हैं और उस चद्दर के लिए कस्टमर्स खोजते हैं, उन कस्टमर्स को खोज के आप उनसे पूछते हैं कि आपको चद्दर चाहिए, आपको चद्दर चाहिए, और आप उन लोगों से ऑर्डर्स लेते हैं। उन कस्टमर्स में से जब कोई एक कस्टमर ऑर्डर कर देगा तो आप उस कंपनी को बोल देंगे कि इस कस्टमर ने ऑर्डर किया है और इसके एड्रेस पे एक चद्दर शिप करना है। वो कंपनी एक चद्दर उठा के उस कस्टमर के यहाँ शिप कर देगी और वो कस्टमर जब पैसे देगा तो वो कंपनी अपना कमीशन काट लेगी, आपका कमीशन आपको दे देगी। तो मतलब आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है, और जब नहीं बनाना है तो उसके साथ साथ जो बहुत सारी और प्रॉब्लम्स आती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, एम्प्लॉय मैनेज करना, क्वालिटी मैनेजमेंट करना, वो सब आपको कुछ नहीं करना है। वो कोई और कंपनी है जो कि आपके लिए कर रही है, जो कि आपसे पैसे नहीं ले रही है, बस जब उसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं और उसका जब सामान सेल हो रहा है तो उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे वो अपना कमीशन काट के आपको आपका पैसा दे रही है। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। सिर्फ आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, उसके लिए कोई एक कंपनी खोजिए जो कि उसको रेडी कर सके आपके नाम से, वरना आपकी कंपनी के नाम से, और फिर आपको बस एक दिक्कत करनी है, कस्टमर्स को खोजना है। और वो आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से या अलग अलग एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं इंटरनेट से, ऑनलाइन आप कस्टमर्स को खोज सकते हैं, उनसे ऑर्डर्स ले सकते हैं, उनको शिप कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो अगर ये हम लोग आसाम में रहने वाले लोगों को जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, ऊंचाइयों पर रहते हैं, उन लोगों को अगर हम लोग ऐसा मॉडल सिखा दें तो क्या उन लोग पैसे नहीं कमा लेंगे? और सिर्फ ये एक तरीका है बिज़नेस करने का इंटरनेट से, जिसमें आप अपने रूम में बैठे रहते हैं और आपको सामान नहीं बनाना पड़ता, सामान शिप नहीं करना पड़ता, सामान स्टोर नहीं करना पड़ता, आपको बस कस्टमर्स खोजने रहते हैं। वो भी रूम से ही हो जाएगा आपके। आप अपने लैपटॉप के ज़रिए एडवर्टाइजमेंट करके फेसबुक पे, वरना इंस्टाग्राम पे, वरना लिंक्डइन पे बहुत सारे कस्टमर्स खोज सकते हैं अपने, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको ये करने आना चाहिए। अब ये इतना भी सिंपल नहीं है कि हर कोई कर ले और हर कोई इससे लाखों कमा ले, लेकिन जो लोग करते हैं सही से उन लोगों के पास लाखों नहीं करोड़ों आते। आप लिटरली fiverr.com पे जाइए, वरना freelancing.com पे जाइए, वरना अपवर्क पे जाइए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आता है, जैसे लेट सपोज आपको फोटोशॉप आता है, लेट सपोज आप बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं, बहुत अच्छा एनिमेशन करते हैं, तो वहाँ पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला काम आता है और मैं ऐसा ऐसा काम कर सकता हूँ। तो अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है फोटोशॉपर्स की, वो लोग आपको ऑर्डर देंगे कि भाई मेरा ये फ़ोटो है, इसको फोटोशॉप करना है, इसको एडिट करके ऐसा बनाना है। तो आप उनके लिए उनका काम कर दीजिए, वो आपको आपके पैसे दे देंगे, लिटरली एक लैपटॉप से हो सकता है। तो ये जो बिज़नेस मॉडल है इसमें कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये जो काम है इसमें कोई इम्पोर्ट, आप रूम में बैठ के सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन से कर सकते हैं, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए। तो ये सारे तरीके भी लेकिन तब काम करेंगे जब आपको कोई आके सिखाए, जब आपको कोई आके बताए
लेकिन अगर कोई आपको ज़िंदगी भर ला के फ्री में खाना दे रहा है तो आप लोग कैसे सीखेंगे? ऑब्वियसली नहीं सीखेंगे। समय के साथ आप लोग आलसी हो जाएंगे और आप लोगों के अंदर वो एंटाइटलमेंट मेंटेलिटी वाली आ जाएगी कि हम लोगों को कोई ला के दे, और अगर वो लोग हमको ला के नहीं दे रहे हैं तो वो लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। तो सरकारें अगर हम लोग को फ्री में खाना नहीं दे रही है तो मतलब सरकार ख़राब है, हम लोग अगले साल उसको वोट नहीं देंगे। सरकारें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रही है, सरकार ख़राब है, हम उसको वोट नहीं देंगे। तो आप लोगों के अंदर भी ये मेंटेलिटी आ जाती है और आप लोग उसी को वोट देते हैं जो कि आप लोगों को फ्री में ला के दे सके, और उन लोग आपसे वादे भी करते हैं क्योंकि उन लोगों को वोट चाहिए, उन लोगों को पावर में रहना। तो कुल मिला के ये साइकिल चलता रहता है और ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक सोसाइटी का हर एक आदमी एक्टिवली इस पर काम ना करे। न ये मेरे चाहने से होगा, न ये आपके अकेले चाहने से होगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे, तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं कोई अगला वीडियो बनाऊं तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। गुड बाय।